बेटा झूठ बोल रहा हूँ, मेरा पीला चमकता रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोने पहले ये बता तू, चिजोरी से भारतीय अलग बात कहा कि तेरा भार आना खतरे से भारी नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरे रक्षा का भार मुझ पर है। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 तो तुम 25-30 रुपए किलो से हो। रुपयों में किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। अरे लोहे से कैसे पेट भरता? अगर मैं ना रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा कुदार खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में बिल्कुल शस्त्र शस्त्र होते काम देते हैं। कोई बड़ा काम हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के ही तवे पे सेकी जाती है, सब कुछ लोहे से बनता है। अंगूठी माला बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी जगह छोटी। मैं राजा महाराजा धनिकों का प्यारा हूँ, मैं जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। तू राजा हो, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ, गरीबों की सेवा करने में ही मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं आराम से रहता हूँ और रहना चाहूंगा। आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, कल दिन रात कारखाने में मैं काम कर रहा था। जो काम करेगा उसी का सम्मान होगा। तो अब मेरा क्या होगा भैया? मुझे घबराहट हो रही है। तू डाल डाल में पाट पाट डर मत, सोने में सदा तेरी रक्षा करता है और आगे करूंगा, मगर तू घमंड करना छोड़ दे। छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल बिना कुछ बोलना।